नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका किसान मित्र और आप देख रहे हैं एमके एग्रीकल्चर। किसान भाइयों, एमके एग्रीकल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंगन की खेती के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब बैंगन फ्रूटिंग और फ्लावरिंग की स्थिति में होता है तो हमें इस पर जो है किस किस प्रकार का स्प्रे करना चाहिए या किस किस प्रकार का खाद का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं, ये अभी छोटा सा पौधा है और इसमें जो है फल आना प्रारंभ हो गए हैं। आप देख सकते हैं छोटे से पौधे में कितने सारे फल अभी लगे हुए हैं। और मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो आप बैंगन देख रहे हैं, ये सेनग्रो की 704 नंबर की वैरायटी है, जिसका कलर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आता है। और इसका जो फल का जो साइज होता है वो लंबे में आता है, इसका जो फल होता है वो लंबे में आता है। और अभी आप देख सकते हैं ये फूल आना प्रारंभ हो चुके हैं और इसमें और भी ये फल जो है लगना प्रारंभ हो चुके हैं। और जब बैंगन या फिर किसी भी सब्जी की फसल जब फ्रूटिंग और फ्लावरिंग की स्थिति में होता है तो हमें इस पर जो है एनपीके 0:52:34 का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं, ये जो है एनपीके 0:52:34 है। जब पौधा फल और फूल की स्थिति में होता है तब हमें इस खाद का उपयोग करना चाहिए। अगर आप ड्रिप के माध्यम से इसे खेती कर रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन में आप इसको जो है जल ड्रिप के माध्यम से इसको आप खाद दे सकते हैं जड़ में। और अगर आप जो है ड्रिप इरिगेशन में इसी खेती नहीं किए हैं तब की स्थिति में आपको जो है इसका स्प्रे करना जरूरी होता है। प्रति टंकी आपको जो है 100 ग्राम की दर से आपको जो है स्प्रे करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फिर फल लगना शुरू हो जाएंगे। अब देख सकते हैं इधर और एक पौधा है, इसमें भी कुछ इस प्रकार से फल लगना प्रारंभ हो गया है। और आप देख सकते हैं इधर भी फल लगे हुए हैं और अभी फल लगना अभी शुरू हुआ है। तो किसान भाइयों, ये तो रहा हमारी एक छोटी सी जानकारी जब बैंगन का पौधा फूल और फल की स्थिति में होता है तो हमें किस प्रकार का दवाई या खाद का स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।